हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। बच्चों आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अपने सपोर्ट मेटल की बुक से पढ़ेंगे। अच्छा, कई बच्चों का ये डाउट रहता है हर चैप्टर को शुरू करने से पहले, मैं बताता हूं कि ये चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, ये 5 नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया है जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ UNO और इसके संगठन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले तक क्या था, अभी पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग खाली हमें UNO को पढ़ना पड़ता था, इसके संगठन को नहीं पढ़ना पड़ता था। बच्चों इसके संगठन में हमें क्या पढ़ना है, जैसे यूनेस्को पढ़ना है, यूनिसेफ पढ़ना है, WHO पढ़ना है, ILO पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी है। ये सब चीजें बच्चों नहीं ऐड हुई है टॉप, ये इन्हें पढ़ना तो पहले भी पढ़ता था पर अब इनकी स्थापना, इनके उद्देश्य और क्या कहते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहां पे, मुख्यालय कहां पे, इनसे जुड़ी चीजों को भी पढ़ना पड़ता है अब ज्यादा। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा जो बच्चों एक अंक वाला पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ को हम शॉर्टकट में बोलते हैं UNO, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को थी। कब हुई थी बच्चों, 24 अक्टूबर 1945। तो चलो बच्चों एक चीज थोड़ा सा जल्दी से याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। पहला विश्व युद्ध में जनधन की हानि हुई थी, पहले विश्व युद्ध में जनधन की क्या हुई थी बच्चों, हानि हुई थी, जनधन की हानि हुई, बहुत बड़े लेवल पे जाने गई, माल का खात्मा हुआ, तो जनधन की हानि हुई थी। तो एक ऐसा संगठन बनाया जाए दोबारा से युद्ध ना हो, युद्ध को रोके, इसलिए बना था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन अपना काम सही से नहीं कर पाया, इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने किसकी स्थापना कर दी बच्चों, UNO की स्थापना कर दी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। UNO के घोषणा पत्र पर 51 कंट्री ने, 51 देशों ने साइन किया था। कितने देशों ने साइन किया था बच्चों, 51 कंट्रीज ने साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, भारत UNO का सदस्य कब बना। UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसके ठीक 6 दिन मतलब 6 दिनों बाद 30 अक्टूबर के दिन भारत इसमें क्या हो गया था बच्चों, शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में बच्चों अभी UNO के सदस्य देशों की संख्या है 193। कितनी है बच्चों, 193, और हम होंगे जल्दी से इस क्वेश्चन से फ्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हमारा, UNO के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए। बच्चों UNO के जो वर्तमान महासचिव है वो है हमारे एंटोनियो गुटेरस। कौन है बच्चों, एंटोनियो गुटेरस है हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है। तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हैंग में स्थित है। ये हैंग कहां पे है, हैग कहां पे है, ये हैग बच्चों नीदरलैंड में है। कहां पे बच्चों, नीदरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है, हैग शहर में स्थित है। ये शहर कहां पर है, ये शहर नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, IAEA का विस्तारित रूप लिखे। IAEA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वापस से मेरे साथ बोलेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बोल क्यों नहीं रहे भाई, बोलो ना, बोलो बोलो इंटरनेशनल, बोलो ना सभी बोलो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
एजेंसी IAEA, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का नाम आंसर हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य बताइए। यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य क्या है? यूएनओ का सबसे पहला उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? शांति की स्थापना करना। दूसरा मेन उद्देश्य है सुरक्षा, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य है बच्चों सह अस्तित्व की भावना विश्व में पैदा करना, मिलकर के विकास, शांति, सुरक्षा और सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन को हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1/1/1995 को हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1/1/1995 में हुई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? तो मैंने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों पे खड़ा नहीं हो पाया, इसीलिए लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किसकी स्थापना हो गई? UNO की स्थापना हो गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, UNHRC का विस्तारित रूप लिखे। तो UNHRC बोलेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। वापस से बोलेंगे बच्चों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की जो औपचारिक स्थापना है वो कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की औपचारिक स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1945 वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। बच्चों समझ आ रहा है? बता दो जल्दी से कमेंट करके, समझ आ रहा है? अगर किसी तरह की दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, सर ये दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 14, UNESCO का विस्तारित रूप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों कई बच्चों को डाउट होता है कि ये साइंटिफिक है या सोशलिस्ट है, कई अलग अलग वर्ड्स का यहां पे यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, GOOGLE कर लीजिए और आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो वापस से बोलेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किस चार्टर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? किस चार्टर के तहत यूएनओ की स्थापना हुई थी? तो अटलांटिक चार्टर। कौन सा बच्चों? अटलांटिक चार्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई एक कार्य बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते बच्चों IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक काम क्या है? ये ऋण उपलब्ध कराता है, और ये क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है और दुनिया में वित्तीय व्यवस्था पर नजर रखता है, वित्तीय व्यवस्था पर नजर रखता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। तो इसका आंसर है बच्चों लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकार के रूप में यूएनओ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे 19वां बच्चों, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश को जून 2020 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई थी? तो बच्चों अस्थायी सदस्यता जो मिली थी ये किसे मिली थी? अस्थायी सदस्यता जून 2020 में अपने भारत राष्ट्र महान को, इंडिया को मिली थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसमें से आई और ई को
अब नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड पढ़ते हैं बच्चों। इसको नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? 1965 में दिया गया था। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 21वां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था श्रमिकों के लिए अनुचित भेदभाव के लिए कार्य करती है? तो श्रमिकों के लिए काम करने के लिए एक ही संस्था बच्चों, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अगला क्वेश्चन है 22वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ये बच्चों आपका जिनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है जिनेवा। आपको इसका आंसर आता ही होगा 23वें का, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का, सदस्यों की संख्या, सही संख्या बताइए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ABCD इनमें से कौन सा सही उत्तर है आप कमेंट करके बताइए बच्चों। मैंने इसी वीडियो में इसका आंसर बताया था, अगर आपको समझ आई होगी तो आप पक्का इसका आंसर सही बता पाएंगे। तो ये इस वीडियो का आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए वाक्य के लिए सही या गलत को चुनिए। ये जो दिया गया वाक्य है ये सही है या गलत है? क्या कह रहा है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर का अधिकार है, तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रसिया, इनके पास एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। यूएनओ के किसी भी फैसले को रोकने का पावर होता है किसके पास? इन पास, देशों के पास, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक प्रमुख अंग नहीं है? तो यूएनओ का एक प्रमुख अंग कौन सा नहीं है? यूरोपीय संघ, ईयू। आपको मैंने सत्ता के नए केंद्र वाले चैप्टर में ये पढ़ाया था बच्चों, ईयू की स्थापना कब हुई थी? ईयू की स्थापना 1992 में हुई थी, मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुई थी। ईयू का फ्लैग है, उसमें कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं, जो एकता, समग्रता और पूर्णता को दिखाते हैं। कितने सितारे बच्चों? 12 सितारे। आप सितारे कम है थोड़ा, ठीक है, इसके सितारों पे मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही नाम है एंटोनियो गुतेरस, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत कितने बार चुना गया? यूएनओ के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत बच्चों 8 बार चुना गया है। कितनी बार चुना गया है? 8 बार चुना गया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब जल्दी जल्दी से दो अंक वाले क्वेश्चन देख लेते बच्चों। दो अंक वाला जो पहला क्वेश्चन कहता हमारा, ये क्या बोल रहा है? निषेधाधिकार किसे कहते हैं? निषेधाधिकार को इंग्लिश में कहते हैं वीटो। वीटो किसे कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोकने का अधिकार है, उसी को बोलते हैं निषेधाधिकार। यूएनओ के किसी भी फैसले को रोकने का, स्थगित करने का अधिकार है। विश्व बैंक के कोई दो प्रमुख कार्य, ऋण देता है, दुनिया की वित्तीय व्यवस्था पे नजर रखता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखें। तो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय 2 स्वयंसेविक संगठनों के नाम, ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टिक इंटरनेशनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टिक इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की कोई दो कार्य बताइए। WTO की स्थापना हुई थी, मैंने शुरू में बताया था एक नंबर के क्वेश्चन में, 1995 में हुई थी। और WTO का जो पर्पस है, उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर जो भी गड़बड़ियां हो रही है उनको रोकना, या कह सकते हो कम करना।
बच्चों इसको मैच करना है, मैचिंग करते हैं बच्चों। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की क्या हुई थी बच्चों, घोषणा हुई थी। मानव अधिकारों की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। और तीसरा जो है फरवरी 1945 माल्टा सम्मेलन हुआ था, अगस्त 1941 अटलांटिक चार्टर। मैचिंग बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग का, वो कौन से चैप्टर से आएगा ये खुद भी नहीं पता, सभी चैप्टर के मैंने मैचिंग्स करवा रखे हैं। सुमेलित कीजिए रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करते हैं, युद्धों का पीड़ितों की सहायता, युद्धों और आपदाओं के पीड़ितों का क्या करती है, सहायता करती है बच्चों। सेकंड क्या बोल रहा हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। विश्व व्यापार संगठन क्या करती है, ये WTO की स्थापना, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाती है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक उन्नति व ऋण देना, ये दो मैचिंग हमने UNO वाले चैप्टर में पढ़ लिया बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऐसे किन्हीं दो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्हें सुलझाना किसी एक देश के लिए संभव नहीं है। तो ऐसा कोई भी मुद्दा जिसे क्यों एक देश नहीं सुलझा सकता, तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। ये कुछ ऐसे मुद्दे बच्चों जिन्हें कोई एक देश अकेला सुलझा नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, पारस्परिक निर्भरता किसे कहते हैं। पारस्परिक निर्भरता एक देश का दूसरे देश पर निर्भर होना ही पारस्परिक निर्भरता कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं तो इससे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को हम आसानी से हल कर सकते हैं और शांति और सह अस्तित्व का विकास होता है। एक पैराग्राफ है बच्चों, गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ पाऊं, आप सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, तो 18 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद झगड़ों के निपटारे के लिए विश्व स्तर के कौन से संगठन बनाए गए थे, तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था लीग ऑफ नेशन बना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का सही काल क्या है। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय विनाश को शांति समाधान के लिए किस संगठन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो UNO। UNO की स्थापना बच्चों कब हुई थी, तो आपकी UNO की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945, भारत 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। एक डायग्राम है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखिए ये साथ में UNO है और ये साथ में युद्ध है, और ये महाशय जो दिख रहे खतरनाक से, और ये महाशय है UNO, ये महाशय है USA अमेरिका। तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है, बता दिया मैंने। प्रस्तुत कार्टून में ये व्यक्ति जो है महाशय, जेंटलमैन, द जेंटलमैन फिगर विथ वेयरिंग कोट एंड पैंट एंड टाई ऑल्सो माउथ वेरी बिग है ना, तो ये अस्त्रम शस्त्रम गच्छामी है एक हाथ में, और एक हाथ में बुद्धम शरणम और शांति दिशामी है। तो ये किस देश को बता रहे हैं, ये USA अमेरिका को बता रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति दोनों हाथों में क्या दिखाया गया है, एक हाथ में युद्ध दिखाया गया, एक हाथ में UNO शांति को दिखाया गया। दाएं हाथ से बात नहीं बनी समझेगा तो बाएं हाथ को समझा, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपको पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 2 तक के अंत वाले में चार ऑपरेशन पढ़ाए थे। पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसे वीडियो गेम वॉर या प्रथम खाड़ी युद्ध के भी नाम से जानते हैं। इराक ने जब कुवैत पर हमला किया था तो UNO ने पहले शांत करा दिया, इराक भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए। इराक जब नहीं माना तो युद्ध किया, 6,60,000 की सैनिक थे और 34 देशों की संयुक्त सेना थे जिसके अध्यक्ष थे नॉर्मन स्वॉर्च को हेड। तो बच्चों जो देश शांति से नहीं मार पाएगा उसे क्या युद्ध देखना पड़ेगा, चित्र में दिखाया गया।
एक चित्र और है बच्चों, ये देखिए इस चित्र से क्या क्वेश्चन है, ये चित्र किस संस्था या संगठन से संबंधित है, ये बच्चों किससे संबंधित है, यूएनओ से संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों, यूएनओ। इस चित्र में किस मानचित्र को दिखाया गया, इस चित्र में विश्व के मानचित्र को दिखाया गया, इसमें विश्व के मानचित्र को दिखाया गया। दिए गए चित्र में किसकी पत्तियां हैं, ये पत्तियां किस बात का प्रतीक है, तो इस चित्र में जो पत्तियां हैं ये जैतून की पत्तियां हैं और ये पत्तियां शांति का प्रतीक है। यही सॉरी यही पे ये वीडियो समाप्त होती है बच्चों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर इसमें कुछ कमी है तो उस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वॉच फॉर वीडियो, और बच्चों आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।